हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन का अलग से स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस रिलेशन में कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो कहाँ कहाँ पर कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स हो सकते हैं, उसका स्टडी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होता है। क्या होता है बच्चों? एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इम्प्लाई दैट एक्स आर जेड। पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे इसकी डेफिनेशन में, एक्स आर वाई इम्प्लाई एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इम्प्लाई दैट एक्स आर जेड। अगर यह होगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन आना चाहिए। अगर इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं आया तब हम लोग इसको चेक नहीं करेंगे। केवल अगर एक्स आर वाई एक ही एलिमेंट आ जाए और इसके साथ वाई आर जेड न आए, वाई आर जेड न आए, तो हमें यह देखने की आवश्यकता नहीं, ये ट्रांजिटिव रह सकता है। अगर ये सिंगल है, इसके साथ इसकी पेयरिंग नहीं हो पाती है, हेंस एक्स आर वाई या कार्टेजियन प्रोडक्ट जहाँ पे समाप्त होगा वहीं से यह कार्टेजियन प्रोडक्ट स्टार्ट होगा। मतलब वाई और वाई सेम होने चाहिए। जब ये दोनों एलिमेंट मिल जाएंगे तब इस तीसरे एलिमेंट को देखेंगे कि रिलेशन में है या नहीं है। अगर केवल एक ही एलिमेंट आ जाए और यह ना आए तो यह ट्रांजिटिव रिलेशन में रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम कर लिया जाए ए इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 1 2 3। तो जो रिलेशन डिफाइंड होगा ए क्रॉस ए पर डिफाइंड होगा, हेंस 1 2 3 क्रॉस क्या लिखेंगे बच्चों, 1 2 3। अगर 1 2 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1। क्या होगा बच्चों, 1 1। अगेन 1 2, नेक्स्ट 1 3। तो ये जाएगा 1 1 1 2 1 3। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, 2 1। क्या होगा, 2 1 2 2 एंड 2 3। क्या होगा बच्चों, 2 1 2 2 एंड 2 3। और उसके बाद 3 1 3 2 एंड 3 3। 9 एलिमेंट होंगे एक राशि में। अब कह दे इसमें से कुछ ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग बनाते हैं। आर वन इक्वल टू एज्यूम कर लिया जाए, अगर इसमें से कोई सिंगल एलिमेंट आ जाए 1 1 तो यह ट्रांजिटिव होगा। अगर 1 2 भी आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, 1 2, तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि एक्स आर वाई तो है लेकिन ये वाला एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हमें इसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिंगल एलिमेंट रहेगा तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाए बच्चों, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट थर्ड हम लोग पॉइंट देखते हैं, अगर आर थ्री इक्वल टू कुछ ऐसा आ गया 1 कामा 2 एंड 2 कामा 1। क्या बच्चों, 1 कामा 2 भी आ गया और 2 कामा क्या आ गया, 1। तो अगर ये जहां पे समाप्त हो रहा है 2 पर या वहीं से स्टार्ट हो गया, तब हमें इसका तीसरा एलिमेंट जो रिजल्ट आएगा वो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। 1 कामा 2 एंड 2 कामा 1 इम्प्लाई दैट यह और यह, ए वाई हो गया, एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड। तो यह 2 और 2 इंटरमीडिएट है, हट जाएगा। तो इसमें 1 कामा 1 का होना अब कंपल्सरी है। क्या बच्चों, 1 कामा 1 का होना अब कंपलसरी है, तब जाकर ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन केवल यह रहता और यह नहीं रहता तो हमें इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब देखते हैं कि क्या ट्रांजिटिव हो गया। 1 कामा 2 ये कहाँ पे इसका एंड हो रहा है, 2 पर। तो जितने भी एलिमेंट 2 से स्टार्ट होंगे उन सभी को देखेंगे इसमें। क्या 1 कामा 2 और 2 कामा 1 इसको इसके साथ चेक करेंगे लेकिन इसको नहीं चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 से इंड हो रहा है लेकिन 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो 1 कामा 2 एंड 2 कामा 1, 1 कामा 1 इसमें प्रेजेंट है। अब इसको छोड़ देंगे, इसको चेक करेंगे 1 कामा 2 कामा 1 है। क्या बच्चों, 2 कामा 1। तो 2 कामा 1 के साथ और क्या आना चाहिए, 2 कामा 1 है, इसके लास्ट में 1 है। तो कौन कौन 1 से स्टार्ट हो रहा है, ए भी हो रहा है, ए भी हो रहा है। तो अगर हम यहां पर लिखें एंड, क्या लिखेंगे, 1 कामा 2, 1 कामा क्या लिखेंगे बच्चों, 2। इम्प्लाई दैट क्या इसमें होने चाहिए, 1 और 1 हट जाएगा, तो 2 कामा 2 भी इसमें होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, 2
टू कामा टू भी होना चाहिए, टू कामा टू। अब वन टू कामा वन, टू कामा वन, और कहां पे इसका एंड हुआ है, वन पर, तो वन कामा वन एंड, वन कामा वन इंप्लाई दैट, क्या लिखेंगे यहां पे, वन और हट जाए टू कामा वन आ जाएगा। क्या बच्चों, वन वन हट जाएगा, तो इसमें टू कामा वन पहले से प्रेजेंट है, इसलिए हमें उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम लोग शुरू से सारे एलिमेंट चेक कर लेंगे। ये वन कामा टू है, तो देखें कौन कौन सा टू से स्टार्ट हुआ, यह हुआ है और ये हुआ है, तो वन कामा टू एंड टू कामा वन, टू और टू हट जाएगा, तो वन कामा वन इसमें आ चुका है, वन कामा टू और ये है टू कामा टू, तो टू और टू हट जाएंगे, वन कामा टू होने चाहिए जो कि इसमें है। फिर इसको चेक करेंगे, टू कामा वन है, क्या बच्चों, टू कामा वन, कहाँ पर इसका इंड हुआ है, वन पर, तो देखें कौन कौन वन से स्टार्ट हुआ है, यह और यह, इन दोनों को हम लोग चेक कर चुके हैं, इस एलिमेंट के लिए भी हो चुका है। अब वन कामा वन को चेक करेंगे, ये कहाँ पर इसका इंड हुआ है, वन पे, कौन कौन वन से स्टार्ट हुआ, केवल यह, तो लिखेंगे वन कामा वन, वन कामा वन एंड, क्या लिखेंगे बच्चों, वन कामा टू, इंप्लाई दैट, क्या होना चाहिए यहाँ पे, वन वन हट जाएगा, वन कामा टू होना चाहिए, वन कामा टू इसमें प्रेजेंट है। अब हम लोग टू कामा टू को देखेंगे, तो टू कामा टू ये कहाँ पे इंड हो रहा है, टू पर, देखें कौन कौन सा टू से स्टार्ट हो रहा है, केवल ये स्टार्ट हो रहा है, एंड टू कामा वन, एंड टू कामा वन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा टू टू हट जाएगा, तो टू कामा वन हो जाएगा, क्या बच्चों, टू कामा वन। तो इस प्रकार अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो चुका है। इसका मतलब अगर किसी रिलेशन में केवल एक एलिमेंट गिवेन हो तो वह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा ऑलवेज, या अगर ये पेयरिंग मिल रही है तो जैसे वन कामा टू और टू का ए, दो कार्टेजियन प्रोडक्ट का ऐसा पेयर मिला है जिसमें जहाँ पे टू समाप्त हो रहा है वहीं से इसमें टू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हटाकर वन कामा वन इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। कुछ अब हम लोग देखते हैं कि अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट आ जाए इसमें और किसी का पेयर ना बनने पाए, क्या ना होने पाए बच्चों, ऐसा कोई पेयर ना बनने पाए, तो क्या वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ऑलवेज होगा। फोर्थ नंबर में देख लेते हैं, यहाँ पे आर फोर इक्वल्स टू हमें गिवेन है, क्या बच्चों, वन कामा टू एंड यहाँ पर दिया थ्री कामा वन, क्या बच्चों, थ्री कामा वन, तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, होगा, क्यों, क्योंकि वन कामा टू हमें दिया है, थ्री कामा टू ले लेते हैं, क्या बच्चों, थ्री कामा टू हमें दिया है और थ्री कामा वन दिया है, थ्री कामा टू कहाँ पर इसका इंड हो रहा है, टू पर, और कहाँ से, क्या ये टू से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, तो हमें एक्स आर वाई तो मिल रहा है लेकिन वाई आर जेड नहीं मिल रहा है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन हो सकता है। थ्री कामा वन मिल रहा है, कहाँ पर इंड हो रहा है, वन पे, क्या वन से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, तो ये एक्स आर वाई मिला, अगेन वाई आर जेड नहीं मिला, तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन में हो सकता है। इसका मतलब हम लोग अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ जा रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन में जिसकी पेयरिंग नहीं हो पा रही है, ऐसे एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में रह सकता है, क्या हो सकता है बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन में रह सकता है।